Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss a very important topic of photoelectric effect. So चलिए start करते हैं. इसके पहले वाले section में हम discuss कर चुके हैं कि क्यों हमें quantum mechanics की ज़रूरत पड़ी, तो inadequacy of classical mechanics और origin of quantum theory वगैरह, ये सब हो चुका है पहले वीडियो में. तो ये एक particle nature का experiment है जो photoelectric effect जे लेनार्ड ने दिया था. तो चलिए इसको discuss करते हैं. तो आज की टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो ये एक पार्टिकल बिहेवियर है जिसको हम यहाँ शो करेंगे. जे जे लेनार्ड ने सबसे पहले ये इफेक्ट देखा था, तो इसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था कुछ इस तरीके से कि इसमें एक कैथोड होता है और एक तरफ एनोड होता है, और ये पूरा एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर में होता है सारा कुछ. यहाँ पे एक अमीटर लगा होता है जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है, और इधर यहाँ पे हम एक पोटेंशियल यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर, जिससे हम पोटेंशियल का वेरिएशन चेक कर सकते हैं. और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिवाइडर होता है. यहाँ पे हम चाहें तो कुंजी वगैरह यूज़ कर लें. यहाँ पे कीज, और फिर यहीं से हम इसको कनेक्शन भी कर सकते हैं. प्लस तरीके से, ठीक है, ऐसा. ये है हमारी बैटरी, और ये है की, ठीक है. और ये इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल या पोटेंशियल डिवाइडर. तो जो भी हमें पोटेंशियल यहाँ से मिलेगा बैटरी के थ्रू, उसको हम चाहें तो यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, और जितना चाहेगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको हम दे सकते हैं एनोड को. यहाँ पे ए जो है वो एनोड है, और सी कैथोड की तरह काम कर रहा है. तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ था ये ऐसा कि एक जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट इंसिडेंट होगी किसी मेटल प्लेट पर, यूवी लाइट प्रॉपर फ्रिक्वेंसी की यूवी लाइट अगर किसी मेटल प्लेट पे गिरती है तो इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो इमिट होते हैं वो एनोड की तरफ बढ़ते हैं. जाहिर सी बात है कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एनोड की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होती है, ठीक है. तो यहाँ पे ये उस तरीके से नहीं है कि हम जैसे जैसे यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसा यहाँ नहीं होता है. क्लासिकली हम यही सोचते हैं कि अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रॉन को अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई से फोर्स बढ़ जाएगा. फोर्स बढ़ने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, क्लासिकल हमारा यही कहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है. जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचते हैं, और उसकी वजह से हमें ज़्यादा करंट मिलती है, लेकिन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती है. तो ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचता है, और नॉर्मल पोजिशन में अगर हम ज़्यादा कुछ बैटरी से वोल्टेज नहीं दिए हैं तो नॉर्मली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे और वो एनोड तक पहुंचेंगे और हमें फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगी. फोटोइलेक्ट्रिक करंट मिलेगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल रहे थे इनको बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रॉन्स. तो प्रोसेस इतना है कि यूवी लाइट किसी मेटल प्लेट पर इंसिडेंट होता है, वहाँ से
इलेक्ट्रॉन आयनाइज होते हैं, जो एटम मेटल्स के एटम्स हैं वो आयनाइज होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर एनोड की तरफ जाते हैं जिससे सर्किट कंप्लीट होती है, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रॉन को जो इस प्रक्रिया में उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। अब हम यहाँ थोड़ा वेरिएशन करके चेक करेंगे, जैसे हम पोटेंशियल यहाँ बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की हैं कि हम बैटरी के थ्रू कितना वोल्टेज हम इधर लगाएंगे एनोड की तरफ, कभी हम पॉजिटिव जोड़ सकते हैं या कभी निगेटिव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ करके चेक करेंगे कि कैसे करंट बढ़ जाती है या घट जाती है, ये सारी चीज़ें। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, तो डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी, इसमें हम देखेंगे कि जो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना है और ये सारी पूरी घटना को हम बोलते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फिनोमेना को, तो अब डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी मतलब ये किस तरीके से इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट का मिलना, तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी यहाँ बढ़ाते हैं तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर जाते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से होता है कि जो यूवी लाइट है वो फोटोन के रूप में आती है जिसके ईच पैकेट की एनर्जी एच न्यू होती है, तो एक एच न्यू को वन इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके तुरंत बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जितने अगर हम यहाँ इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो एक तरह से जो लाइट है जब इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है। रीज़न ये है कि हर एक एच न्यू से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो जब ही लाइट यहाँ पड़ती है इंटेंसिटी ज़्यादा हो या कम हो इलेक्ट्रॉन तुरंत एक एच न्यू लेके इमिट कर जाता है, यहाँ कोई टाइम लैग भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें इंस्टेंट होती हैं, तो इसलिए इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं बढ़ती बल्कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं हमें क्या देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम ही रहती है। तो हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं करंट करंट और पोटेंशियल के बीच, तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है सैचुरेशन। ये सपोज करिए कोई आई है और ये इंटेंसिटी मान लेते हैं 2i, और इसी तरीके से मान लेते हैं इंटेंसिटी 3i। तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट को दिखा रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट अगर इस पर पड़ती है तो, और यहाँ पे होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, तो ये एक निगेटिव टाइप का पोटेंशियल होता है और ये वो पोटेंशियल होता है जहाँ पर करेंट हमारा ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर करेंट क्या है, ज़ीरो है, है ना। जैसे जैसे हम इधर की तरफ आ रहे हैं यानी जैसे जैसे निगेटिव वोल्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं करंट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है हर इंटेंसिटी के लिए, करंट हमारा डिक्रीज़ कर रहा है। और इधर के पोर्शन में देखेंगे तो जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव पोटेंशियल का इफेक्ट हमें कुछ नहीं यहाँ मिलेगा, हम यहाँ सिर्फ कंट्रोल करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ रोक पाएँ, तो उस हिसाब से हम फोटो इलेक्ट्रिक करेंट को केवल कंट्रोल करेंगे, उसमें हम बढ़ा घटा कुछ नहीं सकते क्योंकि करंट हमें उसी वजह से मिलेगी जो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारा यहाँ पॉजिटिव लगा देंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे चाहे हम कितना भी यहाँ से हम पोटेंशियल लगा लें। इसलिए इधर के अगर हम वोल्टेज बढ़ाते भी जाएंगे तो हमें करंट नहीं मिलने वाली है, करंट सिर्फ हमें कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से लेके यहाँ तक करंट हमारा इंक्रीज़ करेगा। ये आई के लिए है, करंट ऐसे ऐसे इंक्रीज़ कर रही है, दूसरे वाले में इतना हो जाएगा, तीसरे वाले में इतना आई, और इसके बाद ये सैचुरेट कर जाता है क्योंकि जब पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो आप लाग पोटेंशियल वहाँ बढ़ाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा जो करंट है वो सैचुरेट कर जाएगा, इसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट और इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। चलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझते हैं ये क्या है।
तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो अगर हम यहाँ से पॉजिटिव देंगे एनोड को तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ, तो नॉर्मली जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे यहाँ पहुँच जाएंगे। पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, तो हमें जनरली एक फोटो इलेक्ट्रिक करेंट मिल जाएगी। लेकिन जब हम निगेटिव करेंट देंगे, निगेटिव जो वोल्टेज हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, निगेटिव वोल्टेज जब हम यहाँ पर देंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपल करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि रिपल करेगा। तो जब रिपल करेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड कम होगी वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिपल कर जाएंगे, केवल जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होंगे वही यहाँ पे पहुँचेंगे। तो होगा क्या कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ रिपल करना शुरू करेंगे करंट हमारा डिक्रीज करना शुरू करेगा, और एक समय ऐसा आएगा और वो समय ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। जब हम निगेटिव करते जाएंगे तो वो निगेटिव पोटेंशियल जिस पे बिल्कुल ही इलेक्ट्रॉन वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर बैक हो जाएंगे या रिपल कर जाएंगे तो हमें क्या करंट मिलेगी, वहाँ पे हमें करंट मिलेगी ज़ीरो। तो वही इस पोटेंशियल है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो वो निगेटिव पोटेंशियल जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें ज़ीरो मिलती है या बिल्कुल नहीं मिलती है, तो वो पोटेंशियल को, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम फिर अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बाद तो हमें करंट मिलनी नहीं है, चाहे इंटेंसिटी कुछ भी कर लें, चाहे हम लाइट की इंटेंसिटी इतनी बढ़ा लें या इतनी कर लें या इतनी कर लें, हर केस में हमें आई ज़ीरो ही मिल रहा है। कहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो पे। तो इंटेंसिटी का हमने देख लिया कि इंटेंसिटी पे या किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। जब इंटेंसिटी आई है तो हमें करंट कितना मिला है, सपोज़ करिए कि यहाँ तक करंट मिला है। जब इंटेंसिटी टू आई है तो करंट कितना मिला है, इतना मिला है। तो हमें दिख रहा है कि करंट इंक्रीज़ कर रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है करंट इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे तो करंट हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। इंटेंसिटी और ज़्यादा होगी तो ये और ऐसे इस तरह हो जाएगा, इस तरीके से 4i ऐसा। अब हम देखते हैं कि जब यहाँ तक पोटेंशियल नेगेटिव देने के बाद जब ज़ीरो हो जाता है तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, दूसरा अगर, तो हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, जो इंसिडेंट लाइट है यूवी लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू पर ये किस तरह डिपेंड करेगा। तो जैसे ही हम न्यू इसकी एनर्जी को बढ़ाएंगे तो जो मेटल है उसको आयनाइज करने की जो एनर्जी है वो तो सेम है, लेकिन जब हम ये एनर्जी बढ़ा देंगे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इस केस में एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि जो ये लाइट, जो ये मेटल था इसका एक वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जिससे यहाँ इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलना शुरू होता है, इमेज करता है। तो वर्क फंक्शन एक तरह से वो एनर्जी होती है जितना हमें इलेक्ट्रॉन को इमीट करने के लिए चाहिए होती है, इसको हिंदी में कार्यफलन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जस्ट इमीट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो है वर्क फंक्शन। तो वो किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए ये हमेशा सेम होगा। तो जैसे ही हमारा एच न्यू बढ़ेगा यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो एच न्यू बढ़ेगी यानी एनर्जी बढ़ेगी। तो जैसे एनर्जी बढ़ेगी वर्क फंक्शन सेम है तो जो बाकी एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो किसको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है। तो अब क्या होगा कि जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पा रहे थे वो पहुंचना शुरू करेंगे, तो हमें अब करंट मिलनी शुरू होगी। तो अगर हम फिर से ग्राफ प्लॉट करें उसी तरीके से, पोटेंशियल और करंट ऐसा, तो हमें क्या मिलेगा कुछ इस तरीके से, ये सपोज करिए कि आई है, ये सैचुरेशन की तरह है, ये एक तरह से वी नॉट,
ये भी वी नॉट है और ये भी वी नॉट। तो नीचे हमने पोटेंशियल दिखाया है और इधर की तरफ हमारा करंट है। इस आई पे मत जाइएगा, ये एक तरह से यह हम बोल सकते हैं कि सैचुरेशन करंट है। यहाँ पे जो यहाँ से है वो करंट सैचुरेट कर जाती है ऐसा। ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए है। सपोज़ करिए ये न्यू वन है और ये न्यू टू और ये न्यू थ्री। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए मान लीजिए न्यू थ्री इज़ ग्रेटर दैन न्यू टू एंड इज़ ग्रेटर दैन न्यू वन। तो जो न्यू थ्री है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। हम क्या देखते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ कर जाता है, यानी माइनस में हमें और ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन को हम पूरी तरह से रिपल कर पाएंगे। क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी यहाँ से बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी। तो वह फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचती है वो इलेक्ट्रॉन में यूज होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी से और फास्ट मूविंग हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा पोटेंशियल, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ेगा, ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल जो वी नॉट है। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो नेगेटिव होता है, जब कम फ्रीक्वेंसी है तो कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी को, यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी को, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ कर जाता है। हमें ज़्यादा स्टॉपिंग, ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल उसमें करंट को स्टॉप करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ भी सेम उसी तरीके से है कि यहाँ पे करंट ज़ीरो है, यहाँ भी करंट ज़ीरो होगी और यहाँ भी करंट ज़ीरो है। बस अंतर यह है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम देंगे तो हमें ज़्यादा नेगेटिव की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हम जो नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ से दे रहे थे वो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये था हमारा दूसरा डिपेंडेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। और इस पूरे प्रोसेस में कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, ये तुरंत लाइट पड़ती है और एक इलेक्ट्रॉन एक एच न्यू को एब्जॉर्ब करके तुरंत इमिट हो जाता है। तो ये क्लासिकल में डिस्कस होगा कि क्लासिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्लासिकल ये कहता है कि जब कहीं भी किसी भी बॉडी या मेटल के ऊपर लाइट आएगी तो पहले वो मेटल का सरफेस हीट होगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा और फिर वहाँ से निकलेगा। तो उस प्रोसेस में कुछ टाइम लगना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये प्रोसेस इंस्टेंट होता है, जो ही लाइट इस पर इंसिडेंट करती है तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। यहाँ पे कोई टाइम लैग नहीं होता है। ये ग्राफ और इसमें आता है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के बीच है, वो कुछ इस तरह का होता है। इधर होता है वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और इस तरफ होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू। तो इसको जो हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये जाके कट करता है न्यू नॉट पे, जहाँ पे पोटेंशियल हमारा हो गया, यहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। तो ये ग्राफ आता है वी नॉट और न्यू का। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं इस तरीके से, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज़ करता जाता है। दिख रहा है जब फ्रीक्वेंसी इतनी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, इतना है, जब इतना है तो इतना है। और ये दिखा रहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होंगे, चाहे क्योंकि यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो ही हो जा रहा है। तो इससे कम फ्रीक्वेंसी पर, यहाँ पे ये ज़ीरो पे नहीं है, ये ग्राफ हमारा एकदम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, तो इतनी फ्रीक्वेंसी तो ज़रूर चाहिए, जो ये सेक्शन है इतनी फ्रीक्वेंसी ज़रूर चाहिए। अगर ये ज़ीरो पे आ जाएगा तब तो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं करेगा। तो कम से कम न्यू नॉट वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वो मिनिमम इनर फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से इमिट होने के लिए। और यही एक टर्म देता है हमें एच न्यू नॉट वो फंक्शन।
इसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का भी डिपेंडेंस देख लिए कि जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं इसको एक लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के रूप में पॉइंट वाइज भी दिया गया है कि जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, तो चार पांच से पॉइंट करके ऐसा आता है। तो वो चीज़ें आप बुक से देख सकते हो, उसमें पहला यही मिलेगा कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं जिससे करंट इंक्रीज़ कर जाती है। फिर होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है उस केस में, और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा उसी रेशियो में आगे बढ़ जाता है। और एक मिनिमम यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन है जिससे कम अगर हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे यूवी लाइट की, जो ये यूवी लाइट हमने इंसिडेंट कराया था कैथोड के ऊपर यूवी लाइट, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू नॉट से कम हो जाएगी, न्यू नॉट हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन ही नहीं होगा। चाहे हम कितना भी यहाँ से पोटेंशियल दे दें एनोड को, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक करेंट नहीं मिलेगी क्योंकि कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहाँ ज़रूरी है कि कम से कम म्यू नॉट न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी यूवी एनर्जी या यूवी लाइट इंसिडेंट होनी चाहिए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और क्वांटम थ्योरी से इसका कैसे एक्सप्लेनेशन होता है। तो एक चीज़ यहाँ जान लीजिए कि वेव थ्योरी क्या कहती है। वेव थ्योरी यही कहती है कि वेव थ्योरी के अनुसार इस प्रोसेस में अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारा फोर्स इंक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इस तरीके से जो फंडामेंटल फार्मूला है एफ इक्वल टू क्यू ई, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू माइनस ई। तो अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो अगर फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो क्लासिकल ये कहता है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए, जबकि ऐसा एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है। तो वेव थ्योरी जो हमारी वेव थ्योरी है उसके हिसाब से या जो क्लासिकल फंडा है इसके हिसाब से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, क्योंकि इसके अनुसार यही है कि जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, जब फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़नी चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़ यह है कि एक मिनिमम यहाँ पे कहा गया है कि एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट होगा तभी इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, चाहे हम इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ा लें, लेकिन जब तक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर नहीं होगी जो इंसिडेंट यूवी लाइट था तब तक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। लेकिन क्लासिकल ये कहता है कि एनर्जी कितनी भी कम हो, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी भी कम हो, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी प्रॉपर कर देंगे इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा देंगे तो ज़रूर वो हीट होगा और उसके बाद कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू होगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमारा यूवी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इसके बराबर होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, अदरवाइज इससे ज़्यादा होना चाहिए तब जाके फोटो इलेक्ट्रिक करेंट हमें मिलेगी। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरा ये था कि क्लासिकल कहता है कि वो सारे प्रोसेस में लाइट आएगी किसी मेटल सरफेस पे, फिर वहाँ से इमेज करेगा इलेक्ट्रॉन एंड देन करंट प्रोड्यूस होगी, इस दौरान बहुत सारा टाइम होना चाहिए, बीच में टाइम लगेगा, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा रहा कि कोई भी टाइम नहीं लगा, ये सारी चीज़ें इंस्टेंट हुई, तो ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्वांटम मैकेनिकली एक्सप्लेनेशन होता है इसका, तो हेडिंग आती है एक्सप्लेनेशन बाय क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, वहाँ पर यह है कि जो क्लासिकल है वो ये सोचता है कि जो मेटल है उस पर लाइट आएगी, और यहाँ का जो मेटल है उसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड की स्थिति में होता है, तो इलेक्ट्रॉन चूंकि बाउंड है तो उसे निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, जो आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी चाहिए। तो चूंकि वो एनर्जी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, जो यूवी लाइट आ रही है इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन आयनाइज करेंगे। तो क्लासिकल ये कहता है कि पहले ये आएगा और मेटल को पहले हीट करेगा, मेटल के सरफेस को, एंड देन इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, लेकिन
यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी आती है उसे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और तुरंत एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है। तो 1hν = 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होता, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहते हैं कि ऐसा यहाँ नहीं होता कि वो लाइट पहले मेटल पे आएगी, वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से टकराती है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाउंड ज़रूर है लेकिन एक तरह से लूजली होता है, तो ईजिली वो सीधे इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट कर जाता है, तो डायरेक्ट hν से इलेक्ट्रॉन इमिट कर जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि पहले मेटल हीट हो फिर आयनाइजेशन का प्रोसेस हो और देन इलेक्ट्रॉन इमिट हो। तो क्वांटम मैकेनिकली इलेक्ट्रॉन सीधे hν को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत इमिट कर जाता है इंस्टेंटली। दूसरा ये है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन के आयनाइजेशन के लिए जो एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है वो इसके बराबर होनी चाहिए या hν₀ के बराबर, तभी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा। तो ये था दूसरा एक्सप्लेनेशन। तीसरा ये है कि इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता है। टाइम लैग इसीलिए नहीं होता कि ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है कि यहाँ आके एब्जॉर्ब करे और देन इंक्रीज करे। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करता है बड़े अच्छे से, वो सारी चीज़ें कायदे से होती हैं। तो ये जो रेडिएशन का एक पार्टिकल बिहेवियर था, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसी के अंतर्गत एक और एक्सपेरिमेंट आता है, कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट। लेकिन उससे पहले अभी इसमें कुछ काम बाकी है, जैसे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ये 4-5 पॉइंट करके आते हैं, इन्हें हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है बड़ा इम्पॉर्टेंट, कॉम्प्टन स्कैटरिंग या कॉम्प्टन इफेक्ट, तो वो भी होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में पहले उसको क्लियर करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।